हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपसे 2-in-1 सॉस की रेसिपी शेयर की है। इस सॉस से आप पिज़्ज़ा प्लस पास्ता दोनों बना सकते हैं। इस सॉस को आप फ्रिज में 6 से 7 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इस दौरान आपको जब भी ज़रूरत हो, चाहे पिज़्ज़ा या पास्ता, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने स्लिट करके बॉईल कर लिया है सॉफ्ट होने तक, और इसका हम कोर्स पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद एक गरम पैन में मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। इसमें मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक काट कर ऐड कर दिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बारीक चॉप किया था मैंने, और इसे अच्छे से हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लगभग शुगर, 1/2 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, यानी कि काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 3 बड़े चम्मच केचप ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिना ढके कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे यूं ही पकने देंगे। उसके बाद हमारी पास्ता सॉस रेडी है। आप ये पास्ता सॉस बच्चों के टिफ़िन के लिए 1 दिन पहले ही बनाकर रख सकते हैं। अगर पास्ता आपने बॉईल करके रखा है तो बस अगले दिन लाइफ और इजी हो जाएगी। एक पैन में बटर के साथ कुछ वेजीज सॉटे करके उसमें ये सॉस ऐड कर देंगे और थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और पास्ता ऐड करके थोड़ी सी चीज़ के साथ गार्निश करेंगे और हमारी यम्मी सी पास्ता बनकर रेडी हो जाएगी। आप सेम सॉस इस तरह से पिज़्ज़ा पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। और ये हमारी 2-in-1 पास्ता प्लस पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।